हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ऐसा सेवन फिशेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तब भी आप इस फिश को बहुत ही इजीली अपने टैंक में ब्रीड कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे सबसे पहले फिश के बारे में, वो है गप्पे फिश। गप्पे फिश को ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है और ये जो फिश है ये एक लाइफ बेयरर फिश है। इसका मतलब ये है ये फिश डायरेक्टली बर्थ देती है फ्राइज को, इसलिए भी ये फिश को ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके साथ ही साथ गप्पी फिश का जो फ्राइज है ये बहुत ज्यादा हार्डी होता है अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे फिशेस का फ्राइज के साथ। और अगर आप अपने फिशेस को सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिएगा तो आपकी जो गप्पी फिश है वो कंटिन्यूअसली 40 टू 50 डेज के अंदर में कंटिन्यूअसली ब्रीड करते रहेगी और ढेर सारा फ्राइज देते रहेगी। अब बात करते हैं मेरे सेकेंड फिश के बारे में, वो है मॉली फिश। मॉली फिश भी एक लाइव बेयरर फिश है और ये फिश भी कंटिन्यूअसली फ्राइज देते रहती है और ये फिश भी डायरेक्ट फ्राइज को बर्थ देती है। अगर इस फिश का भी आप सही से देखभाल कीजिएगा, सारा पैरामीटर सही से रखिएगा, ये फिश भी बहुत सारा फ्राइज देती है। कभी कभी ये फिश एक बार में ही 70 to 80 फ्राइज भी दे देती है। उसके साथ ही साथ इसका फ्राइज का भी टेक केयर करना वगैरह बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसलिए अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तो मॉली फिश या फिर गप्पे फिश के साथ ब्रीडिंग जरूर से कीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है एंजल फिश। एंजल फिश भी बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीफुल फिश है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ये फिश का मेल और फीमेल का आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा इजी होता है। ये फिश को भी अगर आप अपने टैंक में रखिएगा तो ये फिश बहुत ही इजीली ब्रीड करती है और उसका फ्राइज का भी टेक केयर करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। और अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तो आप एंजल फिश को बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कॉन्विक्ट सिकलेट। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है और इस फिश को भी ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे बेस्ट होता है आप जिस भी टैंक में अपना ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं उस टैंक में मेल और फीमेल कन्विक सिकलेट को अलग कर दीजिए, उसके बाद वो बहुत ही इजीली उस टैंक में ब्रीड करेगा और आपको ढेर सारा फ्राइज मिलेगा। और ये फिश को भी ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तो आप अपने टैंक में इस फिश को बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में आता है पोलर ब्लू पैरेट। पोलर ब्लू पैरेट आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास भी है और इस फिश को भी मैं बहुत ही जल्द अपने टैंक में ब्रीड करने वाला हूँ। ये फिश का भी ब्रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है और ये फिश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये जो फिश है ये सेम एक पैरेट फिश की तरह ही है, बस इसका जो साइज होता है वो 3 to 4 इंचेस होता है और ये फिश को ब्रीड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि बहुत ही जल्द मैं इस फिश को ब्रीड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मेरा एक टैंक है, इस टैंक में मैं इसको ब्रीड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं पोलर ब्लू पे मैं और भी बहुत सारा वीडियोस बनाऊँ ब्रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा पोलर ब्लू पैरेट का वीडियो बना पाऊँ। सिक्स नंबर पे है गुरामी। गुरामी फिश को भी ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है और ये जो फिश है इसका ब्रीडिंग जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। इसमें जो मेल गुरामे फिश होता है वो वाटर के टॉप में एक नेस्ट बनाता है और उसके बाद जो भी फीमेल अपने एग्स को ले करती है वो सारा एग्स को कलेक्ट करके उस नेस्ट में डाल देता है, इसलिए भी ये फिश का ब्रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके साथ ही साथ ये फिश भी बहुत ही इजिली ब्रीड कर जाती है। तो अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तो गुरामी फिश का ब्रीडिंग भी आप जरूर से कीजिएगा क्योंकि इसका ब्रीडिंग बहुत ही ज्यादा इजी है और कोई भी इस फिश को बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकता है। अब लास्ट सेवन नंबर पे है बेटा फिश। बेटा फिश और गुरामी फिश दोनों ही एकदम सेम पानी के टॉप में एक नेस्ट बनाता है और उस नेस्ट में ढेर सारा एग्स को ले करता है। तो ये प्रोसेस को देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। उसके साथ ही साथ बेटा फिश भी बहुत ही इजीली ब्रीड कर जाती है और इसमें आपको सिर्फ एक मेल और एक फीमेल फिश को एक अलग टैंक में डालना होता है, उसके बाद वो लोग अपने ही विदिन 10 to 15 डेज में वो लोग ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप बेटा फिश को ब्रीड करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप प्लांटेड टैंक को ही पिक कीजिए क्योंकि प्लांटेड टैंक में बेटा फिश बहुत ही जल्दी ब्रीड करता है अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्मल टैंक से। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का सेवन फिशेस जिसको ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है और अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तब भी आप इस फिश को बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।